मैम आपका माइक म्यूट है। नहीं है। तो अब ये आप देख रहे हो कि एफ वन एफ टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड बीइंग सेम लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, एफ वन के कितना है और एफ टू का कितना है। ठीक है, दिस इज बी आई बी, एल यहाँ पे बी है ना, साइड बिल होता है ना, बिल साइन थीटा, बी आई बी साइन थीटा। हमारे एफ वन एफ टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट ये कैंसल आउट हो जाएंगे, इनकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं कि इधर इस आर्म में, सीडी आर्म में कितना फोर्स लग रहा है। अप्लाई करिए रूल फिर से। अब मैक्सिमम होगा, अब साइन 90 है आपका, वो तो चलो ठीक है फोर्स की डायरेक्शन पे। अब ये डी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। करंट किधर जा रहा है, ऊपर। अब मिडल फिंगर ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स किधर है, इनवर्ड। जब आप ए बी में लगाओगे तो फोर्स किधर है, ए बी में फोर्स किधर है, आउटवर्ड। तो इधर इनवर्ड है, इधर आउटवर्ड है, अगेन द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इनवर्ड आउटवर्ड को आप ऐसे मार्क कर सकते हो, मतलब एक को इधर एक को उधर, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है ना ये वाला फोर्स। तो अगर आपने दो चीजें मार्क कर ली तो तीसरी फिर यहीं पे आपको टेढ़ी दिखानी पड़ेगी, आप परपेंडिकुलर नहीं दिखा। सो दिस इज एफ थ्री, दिस इज एफ फोर। एफ थ्री कितना है, बी आई एल साइन 90 है, एफ फोर इज ऑल्सो बी आई। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, बट आप अगर इनको एक्सटेंड करो आप देखोगे इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो दे वॉन्ट कैंसिल। देखो आप मार्क करके, बिल्कुल आप दोनों सेंटर पॉइंट ले लो, चाहे जहां से आप मार्क कर रहे हो, आप देखोगे लाइन ऑफ एक्शन इनकी सेम नहीं आएगी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, बट है ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस कैंसल आउट नहीं करते हैं, वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जो कॉइल को रोटेट करे। यू नो हाउ इज कपल प्रोड्यूस, हाउ इज टॉर्क प्रोड्यूस बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट डोंट कैंसल आउट बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। तो ये रोटेट कर देंगे कॉइल और टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, वो टॉर्क हमारी जब हम इसको डिराइव करते हैं तो ये आती है बीना कॉस थीटा। उसका प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमसीक्यू ही आने हैं। वैसे प्रूफ का आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है। अगर हम ये वाली जो साइड है ना एडी, इसको ऊपर से देखें, एडी साइड जो है उसको ऊपर से देखें, तो ये जो दो फोर्सेस है ना ये आपको ऐसे लगेंगे, एक इधर एक्ट कर रहा है एक इधर एक्ट कर रहा है, एफ फोर और एफ थ्री, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। हाँ मतलब कि आई मीन टू से उसको ऐसे ही लेंगे, हाँ ऐसे दिखेंगे। तो इन दोनों में टॉर्क कैसे निकालोगे आप, टॉर्क का फॉर्मूला आता है इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस है, ये डी है ना, इसको एल बोल, इनटू ए एल। ए एल कैसे निकालोगे, अब ये आपके पास थीटा था तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये बी है आपके पास, बेस निकालना है तो कॉस थीटा लग जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस ए एल ओवर हाइपोटेन्यूज, ए एल ओवर ए डी। तो यहां से एल क्या आया, ए डी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज ए डी, बी बी कॉस थीटा आ गया ए एल, और एफ थ्री लिखा हुआ था आपने बी आई एल इंटू बी कॉस थीटा। समझ आ रहा है कुछ, वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हो कैसे है तो ये थीटा है तो एंगल बना लिया ट्राइंगल, हम ये निकाल रहे हैं एल इन टू बी एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये आ गया बी आई ए कॉस थीटा। और अगर कॉइल के एन टर्न भी हैं तो हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट दिस फॉर्मूला बीना कॉस थीटा, ऐसे आते हैं।
ठीक है, अगर एन टर्न्स भी है ना, एन को हम यहाँ फिट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे बिना, उससे लर्न करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और, अगर हम नॉर्मल टू द कॉइल ले लें, नॉर्मल ये क्या है, नॉर्मल सपोज ये अल्फा एंगल बना रही है बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, हाँ थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, सो हाउ मच इज थीटा, 90 माइनस अल्फा, इसको पुट करें बीना में, बीना कॉस थीटा, थीटा क्या है 90 माइनस अल्फा, व्हाट इज कॉस 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा, सो टॉर्क इज बीना साइन अल्फा। क्या है, गुड, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसका प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कल जो आपको आर्टिकल कराया था उसमें हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिर यही यूज की थी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब वहां थीटा 0 डिग्री है, तो टॉर्क इज बीना मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डिफ्लेक्शन और करने के लिए ही रेडियल फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है सिलेंड्रिकल कर्व्ड पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट यूज करके, वैसे हम करते हैं इसको यूज। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, चलो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कल जो किया था आप दोनों, कल कहाँ थे एक्स्ट्रा क्लास, हाँ एक मिनट,